जय हिंद। मैं कैडेट रुचि पाटिल फ्रॉम साठे कॉलेज एनसीसी यूनिट 8 महाराष्ट्र गर्ल्स बटालियन मुंबई ए ग्रुप। आज यह आपसे पानी को कैसे बचाए इस विषय पर बात करूंगी। पानी यह हम सब के लिए एक बहुत जरूरी चीज है। पानी के बिना हम जीव जंतु रह नहीं पाएंगे। पानी यह हर एक छोटी चीज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हम सब जानते हैं कि आजकल पानी की समस्या बढ़ रही है। बढ़ती जनसंख्या और प्रदूषण के साथ पानी का प्रदूषण और उपयोग भी बढ़ रहा है। कारखानों से उत्पन्न कचरे का पानी में जाना, लोगों का पानी में कचरा फेंकना, पानी को व्यर्थ बहा देना आदि बड़ी मात्रा से जल प्रदूषण का कारण बन रहा है। पृथ्वी में समुद्र का 71% जल है और खाने योग्य केवल 3% बचा है। ऐसे स्थिति में हमें अलग अलग तरीकों का उपयोग करके पानी को बचाना चाहिए। पानी है जीवन की आस, पानी को बचाने का करो प्रयास। पानी को बचाने के अनेक तरीके हैं। हमारे रोजाना जीवन में घरेलू काम जैसे बर्तन धोना, कपड़े धोना, स्नान लेना, दांत साफ करना इत्यादि। कपड़े धोते वक्त और हाथ धोते वक्त नल ठीक तरीके से बंद रखें। जितना पानी की आवश्यकता हो उतने ही समय तक नल को खुला रखें। टपकती हुई पाइपलाइन को ठीक तरीके से जांच करें, खास तौर के टैंकों की। सस्ते और कम बहाव वाले फवारे लगवाएं और छोटे नल और छोटे शावर से स्नान लें। धोए हुए कपड़े और धोए हुए बर्तन के पानी को बाग में उपयोग करें। अपने फ्लैश टैंक को कम बहाव वाले फ्लैश टैंक में बदल दें। पानी को मीटर लगवाएं और पानी के प्रयोग को स्वयंवर ठीक तरीके से जांच लें। पानी यह हमें हमारे आने वाले पीढ़ी के लिए भी बचा के रखना है। पानी को ठीक तरीके से इस्तेमाल के लिए हमें इजराइल जैसे देश का अनुकरण करना चाहिए। उस देश में वह लोग हाथ धोए हुए पानी को भी उचित तरीके से उपयोग करते हैं। बेसिन को बाग में जोड़ के रखा है। बेसिन का पानी बाग में उपयोग करते हैं। पानी यह हमें प्रकृति से दिया हुआ वरदान है। यह न केवल हमारे लिए बल्कि पर्यावरण के लिए भी महत्वपूर्ण है। पानी के बिना हम रह नहीं पाएंगे, ये बात सोचकर और पानी की कीमत को ध्यान में रखते हुए पानी को बर्बाद करना बंद कर दें। जल की बर्बादी जिंदगी की बर्बादी। हम सब ने यह ठाना है कि पानी को बचाना चाहिए। जल है तो जीवन है, जल है तो कल है। धन्यवाद। जय हिंद।